भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरती भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। बरकट्टा विधायक अमित कुमार यादव ने जयनगर प्रखंड के विभिन्न गांवों में बनाए गए प्रवासी मजदूरों के लिए क्वारंटाइन सेंटरों में जाकर सूखे सामग्री का वितरण किया, जिसमें चूड़ा, गुड़, सत्तू तथा चना आदि शामिल है। विधायक श्री यादव ने लगभग 500 से अधिक क्वारंटाइन सेंटर में खुद से ज्यादा कर क्वारंटाइन कर रहे प्रवासी मजदूरों की हालचाल लिया और सूखे सामग्री का वितरण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जिस अनुपात में प्रवासी मजदूर अपने गांव लौट रहे हैं और कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है, उसे देखते हुए लोग खुद को बचाते हुए तथा अपने परिजनों के साथ गांव व देश को बचाने के लिए क्वारंटाइन के समय को पूरा करें। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर प्रवासी मजदूरों के साथ सहानुभूति है, परंतु उन्हें क्वारंटाइन का समय पूरा करना ही होगा। जयनगर से रणजीत कुमार भारती की रिपोर्ट। अभी हमारे क्षेत्र में जो भी 79 पंचायत है, तो सभी पंचायत में जो भी क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, चाहे सरकारी क्वारंटाइन सेंटर हो या सामाजिक क्वारंटाइन सेंटर हो, सभी स्कूल हो, पंचायत भवन हो, आंगनबाड़ी हो, सभी सेंटरों में हम लोगों के द्वारा वहाँ पे लोगों के लिए चूड़ा, गुड़, सत्तू और चना और साबुन का भी व्यवस्था हम लोग करवाए हैं, ताकि जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको अव्यवस्था ना हो। चूँकि काफ़ी संख्या में लोग प्रवासी मजदूर हमारे क्षेत्र में वापस आए हैं, तो सबकी चिंता करना, किसी को कोई तकलीफ ना हो, इसकी व्यवस्था करना, हम लोगों ने बारीकी से सभी लोगों का समुचित व्यवस्था करने का प्रयास किए हैं। और निश्चित रूप से लोग बाहर से आए हैं, तो अभी जो स्कूल में रह रहे हैं, आंगनबाड़ी में रह रहे हैं, पंचायत भवन में रह रहे हैं, तो थोड़ी सी अव्यवस्था भी है, क्योंकि संख्या बहुत काफ़ी आ गए हैं, बिजली की भी थोड़ी समस्या हो जाती है कभी कभी, तो कभी वोल्टेज की समस्या, तो कभी खाना लेट से आता है, तो इन समस्याओं को भी हम लोग देख रहे हैं और काफ़ी बेहतर मतलब हम लोग इसको सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से थोड़ा सा इसमें सभी का सहयोग की आवश्यकता है।